गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम जानेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, बीजगणितीय समीकरण होते क्या है। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हम सिंपल एडिशन और सबट्रैक्शन तो हम इस तरीके से सॉल्व करते आए हैं। ये हमारा सिंपल एडिशन है और ये सबट्रैक्शन, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, एलजेब्रिक बीजगणितीय एक्सप्रेशन को जानना है। इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वेरिएबल्स, जस्ट लाइक दिस 2n n + 5, 2n + 4, अगर वेरिएबल्स में इस तरीके की कोई इक्वेशन या सम आता है फिर ये हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजगणितीय समीकरण कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से क्या 2n n + 5, 2n + 4, इस तरीके एक्सप्रेशन वेरिएबल्स में जो है चर में या वेरिएबल्स में आते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, बीजगणितीय एक्सप्रेशन कहलाते हैं या एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम जानेंगे फॉर्मिंग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। फॉर्मिंग एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाइट सिंपल, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। तो हम इस एग्जांपल से जानेंगे। तो स्टूडेंट इसमें हम जानेंगे क्या कहते हैं, बीजगणितीय समीकरण बनाना, किस तरीके से हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। अगर सिंपल हमें स्टेटमेंट क्या करते थे 5 added to 8, तो हम क्या करते थे 5 में 8 प्लस कर देते थे। इसी तरीके से 10 subtracts from 25 में से 10 सब्सट्रैक्ट करते थे, ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट से। ओके स्टूडेंट, अब हमें एलजेब्रिक में बनाना है। तो एलजेब्रिक में एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसमें हमारे वेरिएबल्स जुड़ जाते हैं। तो हमें स्टेटमेंट जैसे देना है x multiply y 4, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं 4x तरीके से। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। अगर हमको दिया है एग्जांपल में 12 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम r, r में से हमें कितना 12 सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो r - 12। ओके स्टूडेंट, अगर हम लिखेंगे z divided by -8, तो z में से क्या डिवाइड होगा, -8 डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से y multiply y 10 एंड देन 7 इज एडेड। तो क्या करना है, y में 10 का गुणा कराना है और इसके बाद 7 को हमें ऐड कर देना है। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 10y + 7। ओके सर, प्रोडक्ट ऑफ x एंड -5 डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें क्या कह रहा है कि -5 का x से मल्टीप्लाई होना है, इसके बाद इसका 4 से डिवाइड देना है। तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, -5x/4। ओके स्टूडेंट, तो इसी बेस पे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमको कुछ क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें जानना है कि कौन से एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय समीकरण है। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल हम जानेंगे जिसमें हमारा वेरिएबल्स या चर होंगे, जिसमें एक्स वाई जेड इस तरीके से कोई चर या वेरिएबल्स होंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे या बीजगणितीय समीकरण कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 × 3 + 5, तो इसमें हमारा कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, तो ये हमारा सिंपल डिजिट में है, तो ये हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है जो हमें दिया 2x - 3, तो ये हमारा क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हैगा, क्योंकि इसमें हमें चर या वेरिएबल्स दिया गया है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है 2 + x / 5, इसमें भी हमें वेरिएबल्स दिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 3 + 4y 5 + 5y 8 × 7, तो इस वाले इक्वेशन में हमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं दिए हैं, तो ये हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजगणितीय समीकरण नहीं कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 10x, तो ये भी हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें भी हमें वेरिएबल्स दिया है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेवन्थ क्वेश्चन में 5 + 7, तो इसमें हमारे वेरिएबल्स नहीं है, तो ये हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसी तरीके से एट क्वेश्चन दिया है 5y / 5 + 2x, तो इसमें हमें वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो ये हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, मैं आइडेंटिटी द ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट इनमें हमें आइडेंटिटीज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारे किस में
कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मींस कौन सा क्या हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x, इसमें हमारा स्टूडेंट क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। वेरिएबल्स और डिजिट में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सेकंड डिजिट, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2y, तो इसमें हमारा क्या है, डिवीजन मेथड चल रहा हैगा। तो इसमें एक्स जेड प्लस 7, इसमें हमारा एडिशन हो रहा है। और फोर्थ क्वेश्चन है 5 माइनस y, तो इसमें हमारा क्या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इसी तरीके से 7 करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन प्लस और एडिशन दोनों साथ में हो रहा है। तो स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे हमारा इसमें क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसके बाद हमारा एडिशन हो रहा है। तो इसमें आइडेंटिटी ये हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, 7 माइनस 3x, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सेवन क्वेश्चन में 4 प्लस 2y में सबसे पहले एडिशन और फिर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसी तरीके से सेवन क्वेश्चन है 4x माइनस 3, तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको थर्ड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है राइट द लेंथ ऑफ दिस नाइफ। तो हमें ये नाइफ की, चाकू की लंबाई दी है, यहाँ से यहाँ तक हमें 6 सेंटीमीटर दिए और यहाँ से इसके बाद x सेंटीमीटर दिया है। तो हमको इसकी लेंथ बताना है कि इस नाइफ की क्या लेंथ होगी। तो सिंपल स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक हमारी 6 है, तो हमें पूरी इसकी क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। इसी तरीके x लगा देंगे तो हमारा 6 प्लस x इसका एडिशन हो जाएगा। इसी तरीके से हम थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या हो रहा है, राइट द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स। तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स बताना है, तो इसकी x रुपीस है और इसकी 5 रुपीस है, तो दोनों का टोटल मींस एडिशन करना है। तो इनका एडिशन क्या होगा, x प्लस 4, तो ये इनका टोटल कॉस्ट ऑफ दिस फ्रूट्स का कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको इसी का, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो एक लाइन के 3 पार्ट हैं, तो इस पूरी की लेंथ कितनी है, a है। ओके स्टूडेंट, तो a मीटर में दिया, तो स्टूडेंट इसकी लेंथ क्या है, पूरी मीटर में दिया है ए लेंथ की, तो इसे 3 पार्ट में दिया है, तो ये इसकी क्या लिखेंगे लेंथ, तो a/3। ओके स्टूडेंट, तो इसकी लेंथ आ जाएगी, तो इस लाइन की लेंथ आएगी a/3 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो मीटर में दिया तो मीटर्स में आ जाएगी। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस 4 पेंसिल। ये हमको 4 पेंसिल दी गई है, इनकी लेंथ दी है l सेंटीमीटर l सेंटीमीटर l सेंटीमीटर l सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो टोटल चारों की हमें लेंथ निकालना, तो सिंपल है, तो चारों में क्या होगा, एडिशन होगा l प्लस l प्लस l प्लस l, क्योंकि हमें ऐड करना है, लेंथ निकालना है। तो जब हम चारों l को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 l सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 4 l सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसलेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस फॉलोइंग को हमें ट्रांसलेट करना है, तो हमें दिया है x मल्टीप्लाई y माइनस 5, तो हमें x का मल्टीप्लाई किस में करना है, माइनस 5 में करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हमें सेकेंड क्वेश्चन दिया है 3 एडेड 2r, तो 3 एडेड 2r में क्या करना है, 3 का ऐड करना है, तो r प्लस 3 हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड थर्ड में हमें लिख रहा है कि माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करना है y से माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस ये सब्ट्रैक्ट का निशान और ये माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो y माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 3, तो इसका आंसर आ जाएगा y प्लस 3। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हमको दिया है z इज़ एडिड टू माइनस 10, जेड में क्या है माइनस 10 एडिट करना है, तो ये जेड में माइनस 10 एडिट करेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस का 10। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है t/2, तो स्टूडेंट नेक्स्ट दिया है 5 क्वेश्चन t/2, तो डिवाइड का निशान आ जाएगा और 2, तो t/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम माइनस 5 में से s सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 5 में से माइनस s सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर आएगा -5 -s। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेवन मोर देन अ नंबर, तो एक नंबर से सेवन अधिक है, तो मान लेंगे हम एक्स एक नंबर है, इससे क्या है सेवन अधिक है। मोर देन का मतलब होता है प्लस, या अधिक का मतलब होता है प्लस करना है, तो एक नंबर उसमें सेवन अधिक है, तो हम इस तरीके से इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स प्लस सेवन। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिक्स लेस देन अ नंबर, तो क्या है कोई नंबर से छः कम है, कम या लेस के लिए हम माइनस यूज़ करते हैं, तो एक्स माइनस का सिक्स। तो इसी तरीके से हम नंबर कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वेरिएबल्स हम कोई भी ए टू सेट ले सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो हम वेरिएबल्स एक्स, जरूरी नहीं कि हम एक्स ही ले, एक्स वाई जेड हम कोई सी ए टू सेट कोई सा भी हम वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।